देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाल शाह की। दंतेवाड़ा में लगातार चलाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमला विनय नाग ने मिलकर कटियारा साप्ताहिक बाजार मटन मार्केट का साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में सीएमओ पवन कुमार मेरिया और नगर पालिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कमला विनय नाग ने इस मुहिम में नगर को साफ रखने के लिए आम नागरिकों से अपील भी की। वार्डों में साफ सफाई रखने और मटन चिकन मार्केट में सभी दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा 2 डस्टबिन भी दिया गया। लोगों से कूड़े को डस्टबिन में डालने और साफ सफाई अभियान में जिले को साफ रखने के लिए योगदान देने को कहा गया। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण क्षेत्रांगत कैंप तुमकपाल से बस्तर फाइटर और डीआरजी की संयुक्त पार्टी की नक्सल अभियान के दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर तुमकपाल और डब्बा कुन्ना की जंगल पहाड़ी पर यह मुठभेड़ हुई। दरभा डिवीजन के 3 वर्दीधारी पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए गए। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेड की। जांजगीर चांपा के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत सिवनी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले दिन मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में क्षेत्रीय नवनिर्वाचित विधायक व्यास कश्यप शामिल हुए और इस दौरान 150 डॉक्टर की टीम ने लगभग 1000 मरीजों का उपचार किया। शिक्षा उत्थान समिति लगभग 1000 मरीज यहाँ पे इलाज करवाए थे और 150 के लगभग जो है हमारे डॉक्टर और उनकी टीम यहाँ पे आई हुई थी, जिन्होंने इलाज किया और यहाँ पे सभी राज और इलाज में जी हाँ कुछ कैंसर के मरीज भी आए थे, तो हमारे यहाँ पे कैंसर के सर्जन भी उपलब्ध थे और कैंसर के कीमोथेरेपी से संबंधित डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध थे। और उसी तरह से मेडिकल स्पेशलिस्ट जो ब्लड प्रेशर शुगर और जो सी वी ए है या हार्ट के मरीज हैं उनका इलाज किया। पीडियाट्रिशियन भी आए थे, उसके बाद में गायनेकोलॉजिस्ट आयुष के स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए थे। तो इस तरह से सभी ऑलमोस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उपलब्ध थे और अपनी स्पेशलिस्ट के हिसाब से लोगों का यहाँ पर इलाज। अगली खबर देखिए लाल शाह की। विधायक शांताराम अटामी सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव कश्यप के साथ कर्मचारी और डॉक्टरों की टीम ने विधायक के साथ नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व जनपद अध्यक्ष अस्पताल में साफ सफाई करते हुए नजर आए। विधायक ने अस्पताल में साफ सफाई कर लोगों को जागरूक करने की बात कही। डॉक्टर कपिल देव कश्यप ने साफ सफाई अभियान के तहत सफाई कर्मियों द्वारा लगातार अस्पताल परिसर की साफ सफाई की जाने की जानकारी दी। महासमुंद के पिथौरा में सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे समाज ने शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस और स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के हजारों लोग शामिल हुए। आदिवासी समाज के पारंपरिक वेशभूषा में रैली भी निकाली गई। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के आदिवासी नेता भी शामिल रहे। भाजपा विधायक चैत्राम अटामी जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, साथ ही लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के समस्याओं को संज्ञान में लेकर प्रशासन से निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिया। पुरंतरई में विधायक चैत्राम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और खेल आयोजन का लुत्फ उठाया। इसके पश्चात विधायक चैत्राम सतनाम सेवा समिति द्वारा आयोजित संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की 267वीं जयंती समारोह में अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सरला कोसरिया, कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल, भाजपा महामंत्री संजय शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन उपवोजा सहित कई लोग मौजूद रहे। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जनप्रतिनिधियों ने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य योजनाओं और उनके अमूल्य योगदान के बारे में बताया। सुशासन दिवस माननीय हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनके जन्म दिवस है और उसे जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन यानी शासन प्रणाली का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सुशासन सुव्यवस्थित रूप से भारत की जनता के लिए, अंत्योदय अंतिम छोर के गांव के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए सुव्यवस्थित ढंग के उनकी सुविधाओं को समुचित लाभ देने के लिए यह सुशासन के नाम से जाना जाता है। सुशासन की व्यवस्था के लिए अपने अटूट श्रद्धा और अपने समर्पण राजनीतिक पहलुओं में नियम से चलते हुए और उन राजनीतिक पहलू पर चलते हुए न्यायपालिका को सम्मान देना,
कार्यपालिका को सम्मान देना और राजनीति में शुचिता लाना, यह भी सुशासन के बहुत अच्छे उदाहरण है। जिन्होंने अपने जीवन में शुचिता को लाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में वह शुचिता को धारण किया और उस शुचिता को धारण कर सम्मान कर राष्ट्र को, जब प्रधानमंत्री थे उस शुचिता के आधार पर सभी के साथ न्याय करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई। आप सभी जानते हैं सुशासन यानी अंतिम छोर, जिस तरह से उन्होंने गांव से गांव को जोड़ने के लिए, गांव से शहर को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई कि उसमें सड़कों का जाल बिछे, सड़कों की माला हो और उन सड़कों की माला में वो अंतिम छोर का गांव भी हो जहां पर हम सुविधाएं पहुंचा नहीं सकते, जहां पर कुछ नदियां रोकती है तो उस नदियों से नदियों को जोड़ने और सड़कों से सड़कों को जोड़ने के लिए नदियों का भी माला उन्होंने बनाने के नियम बनाए और गांव से गांव को जोड़ते हुए पूरे भारत में सड़कों की माला बनाने के उन्होंने एक बहुत अच्छी नियम बहुत सरलता के साथ सहजता के साथ सभी विपक्ष को भी साथ में लेकर उन्होंने वह नियम परिपत्र किया। आज हम सब सुशासन जब बनाते हैं तो सुशासन का तात्पर्य है कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, जनता जनार्दन या भारत के राष्ट्र के जो व्यक्तित्व है, जो नागरिक है, जो उनकी जमीन है, जो उनके जल है, जो पहाड़ है, सबके लिए सुव्यवस्थित ढंग से सब मिलकर काम करें और राष्ट्र उत्थान के काम करें, राष्ट्र निर्माण के हम काम करें, राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब एक हो जाएं, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम सब एक हो जाएं, भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए हम उनके जो अच्छे नियम हैं उस नियम पर सब एक साथ चलते हुए आगे बढ़ें और जो भारत माता यानी मातृभूमि को जो तोड़ने वाले हैं, मातृभूमि को जो पीछे ढकेलने वाले हैं, उन नियमों को भी हम सब सामूहिक रूप पर एक साथ होकर हम उसे दूर करें। इसलिए कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में हम दो विधान नहीं चलाएंगे, दो निशान नहीं रहेगा, यह कहा जाता था और उसके तहत भी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए जिस तरह से 370 और 35 ए धारा जो हटाए हैं, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी में ने एक अनुशासनबद्ध ढंग से जो हमारे रीति नीति जो निर्धारित किए उसके आधार पर हम सब कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही आज बहुत ही आज इस दिवस को हम मना के गौरवान्वित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के नहीं, एक विपक्ष के लोग भी उसको एक माना करते थे या सलाह मुस्कुरा लेते थे, एक आदरणीय नेता के रूप में वो उभरे और मृदुभाषी निश्चित तौर पर उनकी सुशासन शासन समय कोई जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया सड़क के जाल बिछाना, नदी नालों इंडिकेट की नहर में इंडिकेट करना, इनकी प्रथम और हमारे देश को एक अच्छा दिशा की ओर ले जाना एक शुरुआत की थी, आज उसका फल अपने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम इस महान पुरुष को हम नमन करते हैं, इनके मार्गदर्शन बताए हो कि अमल करना चाहिए और इस देश के आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग रहना चाहिए। जगदलपुर के पूर्व विधायक एकचंद जैन अपने सहयोगियों के साथ नया मुंडा स्थित श्री अयप्पा मंदिर के 41 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत नारायण सेवा महाभंडारा में सम्मिलित हुए। जैन ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का कुशल क्षेम जानकर उनके साथ चर्चा की। महोत्सव में नगर निगम राजस्व सभापति राजेश राय, वरिष्ठ मीडियाकर्मी संतोष सिंह, रितेश पांडे आदि मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।